हे, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग पब बेस्ट एवरीथिंग। दोस्तों, आप सभी इंटरनेट को यूज़ करते हो। डिफरेंट टाइप के इंटरनेट ब्राउज़र हैं जो आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया हो और आपका जो काम है वो भी आसानी से हो जाए और ब्राउजिंग करते समय आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसी के लिए आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं कीबोर्ड की कुछ खास ऐसी शॉर्टकट कीज के बारे में जो आपका इंटरनेट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस और भी बढ़ा सकती हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो और किसी भी समय आपको अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार के ऊपर जाना पड़े, तो सिर्फ आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी को प्रेस करोगे तो आप अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार के ऊपर डायरेक्ट आ जाओगे। और अगर आप इसी काम को कंट्रोल एल के साथ भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जैसे आपने अपने ब्राउज़र में काफ़ी जो टैब्स हैं इनको ओपन किया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप खुली हुई जितनी भी टैब है उनमें नेविगेट करना, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करोगे तो आप अपने ब्राउज़र की खुली हुई टैब में नेविगेट कर सकते हो। थर्ड, हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि अपने ब्राउज़र में न्यू टैब को ओपन करना, तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करोगे तो आपके ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। चार नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर आपने जो बुक मार्क्स अपने ब्राउज़र में सेव किए हैं, अगर आप उनको शो करना चाहते हो और हाइड करना चाहते हो, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड बी प्रेस करोगे तो आपके जो बुक मार्क्स हैं वो आपको दिखाई यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट भी दोबारा प्रेस करोगे तो वो हाइड हो जाएंगे। पांचवें नंबर पे हम बात करते हैं कि अपने ब्राउज़र के जो फ़ॉन्ट के साइज़ और स्क्रीन के साइज़ को अगर आप लार्ज करना चाहते हो और उनको कम करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल प्रेस करें तो आपकी विंडो में जो स्क्रीन का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस वाला बटन प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन का साइज़ कम हो जाएगा। सिक्स नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हो और आप इसी काम को कंट्रोल के साथ R प्रेस करके भी कर सकते हो। सातवें नंबर पे जो हमारी शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल W। कंट्रोल W से आप जो आपकी करंट जो टैब है उसको आप बंद कर सकते हो। जैसे हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं तो हमारी जो करंट टैब है वो बंद हो जाएगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कैफ़े में इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो किसी भी ब्राउज़र की हिस्ट्री में सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में एक प्राइवेट टैब ओपन करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट टैब को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट की एंड उसके साथ टी को प्रेस करोगे तो आपकी जो नई टैब ओपन होगी इसमें आप जितनी भी ब्राउजिंग करोगे उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपने जितनी भी टैब्स अपने ब्राउज़र में ओपन की है और अगर आप चाहते हो उन सभी टैब को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करना, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट एंड डी की को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी जितनी भी टैब ओपन हुई थी वो आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। और आगे हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी खुली हुई किसी भी विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ डी बटन प्रेस करोगे तो आपकी जो खुली हुई विंडो थी वो बंद हो जाएगी। और अगर आप उसी मिनिमाइज की हुई विंडो को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हो तो भी आप विंडो के साथ डी बटन प्रेस करोगे तो वो दोबारा वापस रिस्टोर हो जाएगी। और लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी खुली हुई विंडो को बंद करना चाहते हो तो आप अल्ट के साथ
F4 फंक्शनल की को प्रेस करोगे तो आपकी जो भी ब्राउज़र की और किसी भी सॉफ्टवेयर की जो विंडो खुली हुई थी उसको आप बंद कर सकते हो। और अगर आप अपने सिस्टम को भी शटडाउन करना चाहते हो तो भी आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करोगे तो आप अपने सिस्टम को शटडाउन भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज। अगर आप इन शॉर्टकट कीज़ को ब्राउजिंग करते समय यूज़ करते हो तो आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया होगा और आपका जो बार बार माउस को यूज़ करने से टाइम वेस्ट होता था वो भी आपका बचाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो है पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स लॉट।